वेलकम टू अजमेर रसोई। आज हम बनाएंगे फलारी डोसा साबुदाना और समा के चावल से। ये स्पेशली मैंने नवरात्रि के लिए बनाए हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधी कटोरी साबुदाना, जिसे मैंने 6 से 8 घंटे पानी में भिगोया है, एक कटोरी समा के चावल, जिसे भी मैंने 6 से 8 घंटे पानी में भिगोया है, आधा चम्मच सेंधा नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, दो उबले हुए आलू। सबसे पहले जार में हम डालेंगे साबुदाना। अब हम डालेंगे समा के चावल। सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर और आधा ग्लास पानी। अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम बैटर को 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। मैंने पैन में थोड़ा सा घी गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी बॉइल्ड आलू, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। इसे हमें मैश नहीं करना है। इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब डालेंगे हम काली मिर्च, हम इसे 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। हमारे बैटर को 10 मिनट हो चुके हैं। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अगर आपका बैटर ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो आप इसमें पानी मिक्स कर सकते हैं। मैंने पैन में थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब मैं इसमें बैटर डालूंगी। ये हमारे डोसे में अच्छी जाली बन रही है। अब हम इसकी बाउंड्री पर घी डालेंगे। हमारा डोसा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे और इसको अच्छे से रोल कर देंगे। ये देखिए हमारा डोसा कितना अच्छा बना है। हमारा डोसा सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे दही या अपनी चॉइस की किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।